मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना के द्वारा मीजल्स एवं रूबेला अभियान अंतर्गत एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बताया गया कि मीजल्स और रूबेला दो अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन इनका एक ही इंजेक्शन आगामी दिनों में लगाया जाएगा। वहीं ये अभियान आगामी 15 जनवरी से 5 हफ्तों के लिए चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ष के सभी बच्चों को MR का टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर यह टीका लगाया जाए यह भी सुनिश्चित किया गया है। वहीं ये बता दें कि इस टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि यदि किसी बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है तो उसके चलते उसे मीजल्स होने की संभावना रहती है। वहीं मीजल्स का इलाज होने के बाद भी बच्चे को टीबी का खतरा हमेशा बना रहता है। इस मीडिया कार्यशाला का मकसद यह था कि अधिक से अधिक लोगों तक मीजल्स और रूबेला नामक खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी पहुंच सके, साथ ही इनका इलाज भी त्वरित कराया जाए। वहीं ये टीके हर बच्चे को लगाए जाएं, जिसके लिए प्रशासन ने समस्त शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की भी तैयारी करवा दी गई है। इस अभियान को सार्थक बनाने में सभी अपना सहयोग देंगे। शरीर पर इसके अलावा इसमें दिमाग का बुखार हो सकता है खतरे की बीमारी में, इसके अलावा दिल में छेद वो निमोनिया हो सकता है, और अगर खतरा ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद टीबी की बीमारी हो सकती है। जबकि रूबेला नाम की बीमारी जो है वो यदि गर्भवती माता को पहले 3 माह के अंतर्गत रूबेला की बीमारी हो जाती है तो उसके बच्चे को दिमाग छोटा हो जा सकता है, बहरा हो सकता है, अंधा हो सकता है, या दिल में छेद की बीमारी हो सकती है। 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, जो कि गुना जिले की जनसंख्या का 30% होता है, तो ये करीब 3.5 लाख बच्चे इनको टीके लगाए जाएंगे। तो स्कूल में जो है वो पहली क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक के बच्चों को ये टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो पहली क्लास से बच्चे जो छोटे होते हैं वो आंगनवाड़ी कवर करती है उनको, तो आंगनवाड़ी में 9 माह से लेकर के और 5-6 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के पहले मध्याह्न भोजन कराया जाएगा, जिससे कि ये शिकायत ना आए कि बच्चा खाली पेट था इसलिए उसे चक्कर आ गए। तो पहले भोजन कराया जाएगा, और कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं और राज्य शासन के भी निर्देश हैं कि मध्याह्न भोजन स्कूलों में उस दिन समय पर कराया जाएगा। किसी बच्चे को कोई छोटी माइनर रिएक्शन भी होती है या बड़ी रिएक्शन होती है जो कि 10 लाख में किसी एक बच्चे को हो सकती है, तो उसके लिए रोकथाम के लिए उपचार की दवाइयां ANM यानी नर्स भाई के पास पहले से उपलब्ध करा दी गई हैं। ये जो टीकाकरण अभियान है इसमें जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आंगनवाड़ी के अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल के शिक्षक, ये लोग इसमें मुख्य रूप से सहयोग करेंगे। अभियान है इसमें मीजल्स तथा रूबेला दोनों के टीके एक ही टीके में शामिल किए गए हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि 2020 तक मीजल्स को उन्मूलन कर दिया जाए, यानी जड़ से समाप्त कर दिया जाए, और रूबेला पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जाए। मीजल्स की बीमारी जो है उसमें बुखार आता है, दाने पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और मरूरी जैसे दाने होते हैं। इसके अलावा इसमें दिक्कत ये है कि मीजल्स से निमोनिया हो सकता है, दिमाग की में बुखार चढ़ सकता है, मीजल्स के ठीक होने के बाद भी टीबी की बीमारी हो सकती है। जबकि रूबेला नाम की बीमारी जो है उसमें यदि गर्भवती महिला को पहले 3 महीने में रूबेला की बीमारी हो जाती है, जिसको कि जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, तो उसका बच्चा जो पैदा होता है उसका दिमाग छोटा हो सकता है, वो अंधा या बहरा हो सकता है, और उसके दिल में छेद हो सकता है। इसमें 9 महीने से लेकर के और 15 साल तक के सभी बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा, तो इसके लिए स्कूल के पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चे शामिल किए गए हैं जिनको टीके लगाए जाएंगे, और 9 महीने से लेकर के 5-6 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी पर पाए जाते हैं, आंगनवाड़ी पर जाते हैं, उनको आंगनवाड़ी के सहयोग से टीके लगाए जाएंगे। तो इसमें स्कूल शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी यानी ICDS महिला बाल विकास विभाग जो है वो पूरी तरह से सहयोग कर रहा है।